गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम जा रहे हैं माँ अहिल्या की पवित्र नगरी में महेश्वर। आज हम देखेंगे अहिल्या फोर्ट। इसे महारानी अहिल्या बाई ने बनवाया था। इस वीडियो में मैं आपको इस किले का पूरा इतिहास बताऊंगी, तो बने रहें एंड तक। ये है अहिल्या बाई का घर। इसी पालकी का देवी अहिल्या बाई यूज करती थी। यहीं पर उनका दरबार लगता था। इसी सिंहासन पर वो बैठा करती थी। वो बहुत न्यायप्रिय थी। न्याय करते वक्त उनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रहा करता था। यहाँ पर मल्हार राव होलकर और उनके पति खंडेराव होलकर और बाकी सदस्यों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। समय के कुछ हथियार हैं। ये अहिल्या फोर्ट, जो आज एक हेरिटेज होटल बन चुका है, उसमें जाने का गेट है। यहाँ पर अहिल्या बाई के समय से रोज 10,000 शिवलिंग बना करते हैं। अहिल्या बाई के द्वारा स्थापित महेश्वरी साड़ियाँ आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।
अहिलेश्वर मंदिर। 1799 में तोकोजी राव होलकर के बेटे यशवंत राव होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने देश भर में बहुत सारे मंदिर और घाटों का निर्माण करवाया। ये है कालेश्वर मंदिर। में अहिल्या बाई के पति खंडेराव होलकर कुंबेर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके 12 साल बाद जब उनके ससुर मल्हार राव होलकर की मृत्यु हुई तो उन्होंने शासन खुद संभाला और एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से यहाँ महेश्वर शिफ्ट कर दी और तभी नर्मदा नदी के किनारे ये भव्य और मजबूत किला बनवाया। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है।
महेश्वर में अहिल्याबाई का बनवाया हुआ भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर में अखंड ज्योत है। भगवान परशुराम जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना तब से मंदिर। मोर अबाउट दिस टेम्पल ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। महेश्वर आकर महारानी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। आप जब कभी महेश्वर आए तो महारानी अहिल्याबाई होलकर के इस गौरव से रूबरू होना ना भूलें।